Yes, you are audible. Hi, how are you? Yeah, I'm good. Good. Just preparing for portfolio. Yes, you are in the ड्रीम टीम ना. आई हैव सीन योर नेम बिफोर. मतलब मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था, हाँ, मतलब मेरे को नाम याद है. ज्वाइन बहुत पहले कर दिया था, पर मतलब इतना फोकस नहीं था उसमें, तो लास्ट में ऐसे ज्वाइन किया था एग्जाम के टाइम में, पर हाँ हाँ, इतना स्टार्टिंग में मेरे को नाम याद होता है. हुए वो ज्वाइन था तो हाँ रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करता है उसके मेरे को नाम याद होते हैं यूजुअली. आई हाँ डोंट लास्ट में फॉरगेट मैंने दैट. बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे। और कैसा चल रहा है? हाउ इज योर सीट एग्जाम? सीड एग्जाम एक्चुअली मेरा सेक्शन ए में 30.8 आ रहा है, नॉट बैड, और नॉट बैड. पर मतलब सेक्शन बी में भी मैंने किया है, पर पता नहीं कैसे मार्किंग होगा। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सो पता नहीं है कैसा मार्किंग होगा या नहीं होगा। पर मतलब जो जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, मतलब शायद 3 नंबर और 5 नंबर में आए थे, तो हाँ, उसमें हाँ, तो एक में मैंने चार थे, तो चार चारों में से एक ही ऑप्शन अटेंड किए थे और 3 नहीं किए थे। और लास्ट में जो 5 वाला था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला, सॉल्विंग वाला, उसमें भी मैंने शायद 3 अटेम्प्ट किया है, मतलब 2 नहीं किया है। तो और जो सारे थे उनको किया है, और फर्स्ट वाला जो था, वो जो सेल्फी वाला था, उसमें किया है, पर शायद पर्सपेक्टिव इतना ठीक नहीं है, मेरे को लगता है। ह्यूमन वगैरह बना है पर पर्सपेक्टिव नहीं पता, सो पता नहीं है मार्किंग कैसा होगा, सो इसलिए थोड़ा डाउट है उसमें भी। और मेरा बैकग्राउंड भी पूरा अलग है, अलग इन द सेंस मैंने 2019 में फिजिक्स में मतलब ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो कोविड के चलते 3 साल तो ऐसे में ही उसी में चला गया। तो उसके बाद मतलब मैंने शायद 2021 लास्ट में यूएक्स के बारे में सब मतलब पढ़ाई वगैरह, उसका लर्निंग वगैरह शुरू किया है। तो अभी मतलब यूएक्स का नॉलेज ऐसा बेसिक सा नॉलेज है, मतलब बेसिक इन द सेंस हाँ कर सकते हैं कुछ उसमें, वैसा टाइप का नॉलेज है। तो उसमें मैंने जॉब के लिए भी पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब यूएक्स के लिए जॉब के लिए और इंटर्नशिप के लिए पोर्टफोलियो बनाया है। तो मतलब मेरा डाउट यही है कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारा तो कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे में 3 साल उसी में गया है, तो उसका जवाब क्या देना है, मेरे को वही मतलब डाउट है। और इसलिए मैं भी सोच रही थी कि चलो नहीं तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेके नहीं तो फिर से दूंगी। तो या 2019 तो ग्रेजुएशन का ईयर कौन सा है? में और 19 से लेकर अभी तक एक्सपीरियंस नहीं लिया, दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ, मतलब हुआ ये है कि 19 में मैंने फिजिक्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए मतलब एनरोल कर दिया। तो उसको 1 ईयर तो वो कोचिंग था, उसके बाद कोविड आ गया, तो 1 साल तो घर में ही ऐसे में वेस्ट हो गया। तो मतलब उसी के प्रिपरेशन चल रहा था, तो खुद से 2021 में खुद से डिजाइन का मतलब इंटरेस्ट था, तो खुद से जब जानना शुरू किया कि हाँ ये सब है, तो उसी में मतलब ऐसा ही करते करते गया। तो 2022 मेरा यूएक्स लर्निंग में गया है, और मतलब 21 ही था लास्ट जो मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया है। तो या सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, देखा जाए तो ये सिचुएशन में, कि अभी ऐसा टाइम है ना कि पीपल आर नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक अबाउट कि हाउ मच ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव और कितना तुमने, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट आई मीन, प्रॉब्लम नहीं है. अभी कैसा है ना, पीपल आर यूजिंग द टाइम टू थिंक, अपना स्ट्रीम फिगर आउट करना ऑनलाइन, जैसे आपने गूगल का यूएक्स कोर्स किया है ना, तो कोर्सेस करना, उसमें लोग टाइम इन्वेस्ट करते, तो अच्छी बात है. मैंने भी 1 साल गैप लिया ऐसी, मेरा भले 2020 ग्रेजुएशन था, सो 2020 के मई में होना चाहिए था मेरा खत्म, मेरा सितंबर में हुआ. और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना पढ़ के मैंने सीट का एग्जाम दिया, और फिर पोर्टफोलियो में प्रोसेस में टाइम चले गया. तो एडमिशन 2021 में हुआ, तो मेरा 1 साल तो गैप ही है, एंड आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस टू शो फॉर दैट. सो टेक्निकली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो हाँ, जॉब में शायद पूछे कि क्यों नहीं है वर्क एक्सपीरियंस, क्या नहीं किया. देन यू नीड टू हैव एन आंसर कि यार फिजिक्स था शायद नहीं जमा था, 1 साल में ऑनलाइन सीख रही थी, शायद कि हाँ वहाँ अनपेड इंटर्नशिप्स किए जहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए जहाँ पे पता नहीं था कि स्ट्रीम एक्सप्लोर करने के लिए, ये सब हो सकता है, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज. अभी सिचुएशन अलग है, मैंने अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, जैसे आप अगर IIT के लिए, NID के लिए सीड का एग्जाम देते हो, NID का एग्जाम देते हो, तो उसके लिए फिर वर्क एक्सपीरियंस डजंट मैटर, नोबडी आस्क्स यू ऑनेस्टली.
उसमें ऐसा है, दे वॉन्ट टू सी योर वर्क, जितना तुमने खुद काम किया है डिजाइन में, कुछ तो किया होगा ना, जैसे डिजाइन अगर करना है, इच्छा है, फिग्मा सीखा है, गूगल का कोर्स हाँ किया है, तो प्रोजेक्ट्स कौन से किए हैं, क्या एक्सप्लोर किया है, बिकॉज दे आर वेरी ओपन विथ डिजाइन इज लाइक ऑलवेज. अभी कैसा है ना, इंडिया में सेकेंड स्टेप, किसी का फर्स्ट टीम डिजाइन अभी तक बना नहीं है. बीडस बहुत कम होता है, बीडस सिर्फ 3 IITs में. सो डिजाइन किसी का पहला चॉइस नहीं है. एमडेस इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग का सेकेंड स्ट्रीम डिजाइन होता है, इंजीनियरिंग के बाद, आर्किटेक्चर के बाद, या फिर कोई और निफ्ट में फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद. सो वैसे देखा जाए तो बीडस इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता अभी, क्योंकि 3 ही IITs में है. इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं लगता, मतलब इतना इम्पोर्टेंस उसको दिया नहीं गया है ना. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, इट वर्क एक्सपीरियंस का टेंशन मत लो, स्पेशली व्हेन अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम. अगर मास्टर्स हाँ करना है तो उसका टेंशन मत लो. बस इतना है कि जो स्ट्रीम में जाना है वो स्ट्रीम के कोर्सेज ऑनलाइन जो किए वो ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ा है वो ठीक है, प्रोजेक्ट्स करो, पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन काउंटर दैट गैप. कि तुमने प्रोजेक्ट्स किए, खुद किए, सेल्फ डन प्रोजेक्ट्स जो हम बिहेंस पे देखते हैं, जो अभी सब पोर्टफोलियो के लिए कर रहे हैं, जो मैं भी पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, जो मेरे यूट्यूब हाँ पे है वीडियोज, वो सब क्या है, वो यही है ना. ADP पे भी लाके पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपना, सब सेल्फ मेड प्रोजेक्ट्स है. कोई कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई कंपनी के लिए नहीं किया है, कोई इंडस्ट्री वर्क नहीं, खुद सोचे हुए, खुद प्रॉब्लम ढूंढे हुए प्रोजेक्ट्स, दैट इज कम्प्लीटली कूल. उसका टेंशन मत लो, नॉट एट ऑल, क्या क्या है क्या नहीं, उसका टेंशन. हाँ तो हाँ मतलब पोर्टफोलियो के लिए मैंने जॉब का पोर्टफोलियो बनाया था, तो आपने जैसे बोला है कि मतलब अलग से एक पोर्टफोलियो बनाओ जो कि दिखाए कि तुम मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, तो उसका मेरे को बनाना है। तो मतलब मैंने दो आइडियाज भी सोचा है, सो एंड में आपको मतलब ऑफ कैमरा बताऊंगी क्या हाँ है। हाँ चलेगा. हाँ तो और मतलब ऐसे में जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैंने रीडिजाइन किया था, एक IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को रीडिजाइन किया था, वो बनाया था। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मतलब एक ही फीचर को लेकर था, पर उसका मैंने बिहान्स में पोर्टफोलियो तो नहीं बनाया, मैंने मीडियम में बनाया था। सो मतलब हाँ तो अभी होगा तो मैं उसको शायद थोड़ा बता सकती हूँ क्या है। हाँ वो आप बता सकते हो. और कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक टू सीड सीड के बारे में, प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, पक्का प्रोजेक्ट डिस्कस कर. हाँ मेरे को वही सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था कि मतलब, और होता यह है कि मैं जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती हूँ ना, वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा तो इंटर्नशिप भी नहीं, ऐसे में लोग पूछते हैं जो डिजाइन से है या फिर अभी कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं तुम्हारा तो फिजिक्स था तो तुम इसमें कैसे घुसे। तो उसका आंसर मतलब मैं खुद जानती हूँ, पर उनको देना मेरे में डिफिकल्टी आ जाता है। तो वही है कि हाँ मेरे में इंटरेस्ट था, मैं मतलब जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई। फिजिक्स के बाद भी मैं जाना चाहती थी कि फैशन डिजाइनिंग वगैरह करना चाहती थी, पर हाँ फाइनेंशियली एक प्रॉब्लम है और मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ उधर किसी को पता भी नहीं है हाँ कुछ है ऐसा कुछ, हाँ तो मेरे को भी इतना नॉलेज भी नहीं था कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। करना तो है पर उसके लिए कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, तो तब दिक्कत हो गया था। तो अभी जब थोड़ा खुद से देखा तो हाँ ये चलो ये कर सकते हैं इसलिए इसमें घुसे हैं। तो और भी हाँ मैंने एक मतलब अभी इवनिंग में ही देख रही थी कि एक एक IIT में दे रखा है कि डिजाइन में ही बैचलर्स होना चाहिए, तो मेरा तो वैसा नहीं है नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. एक्चुअली 1 मिनट, पहली बात तो बीएससी 3 साल का था, हाँ बीएससी 3 साल का. हाँ तो IITs में 3 साल एलिजिबल नहीं है काफी जगहों पे. अच्छा सो इट इज नॉट कि डिजाइन का डिग्री चाहिए, इट इज लाइक एनी डिग्री. मैं इंजीनियर हूँ, सो इंजीनियरिंग, हाँ आर्किटेक्चर, एनीथिंग विच इज मोर देन 4 ईयर्स, मतलब 4 साल का डिग्री एंड अबव, ऐसा 3 ईयर्स का डिग्री सब IITs में एक्सेप्टेबल नहीं है. वो हर साल चेंज होता रहता है, ब्रोशर में आ जाता है वो, तो हर IIT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सीट दे रहा मतलब है. सीट के रिजल्ट के बाद आएगा वो वाला ब्रोकर। नहीं वो तो वेबसाइट पे ही होता है, ऑलमोस्ट सबके वेबसाइट पे ही होता है. एंड जितने भी लोग ग्रुप पे, ड्रीम टीम पे, देखो यही बेस्ट है, ड्रीम टीम पे मैसेज डाल दो, रिप्लाई आ जाएगा, सिंपल एज दैट. हाँ वो तो है। तो हाँ, तो वो कह ले, लोग ऑलरेडी बहुत रिसर्च करके बैठे हैं सब चीजों के बारे में. सो एक चीज ये है इंपॉर्टेंट, कि IITs के लिए 3 साल एलिजिबल नहीं है. अगर सीट देते हो, सीट क्लियर होता है, तो यू आर एलिजिबल फॉर IIITs. IIITs में 3 साल डिग्री चलती है, एंड सीट क्लियर होने के बाद बाकी सब कॉलेज सीट एक्सेप्ट करती है. तो IIIT, अच्छा एक और चीज, NID 3 साल लेता है. तो अगर मैं सबको ये बोलता हूँ, अगर NID तुम्हारा, अगर तुम्हारा 3 साल का डिग्री NID पे फोकस करो, क्योंकि NID लेता है 100%, एंड ऐसा NID IIT सेम लेवल पे. मैं तो NID का थोड़ा बेटर भी समझता हूँ, बिकॉज वो प्योरली डिजाइन स्कूल है.
आईआईटी टेक्निकल स्कूल से जो डिजाइन पढ़ा है, तो वैसे देखा जाए तो एनआईडी पे फोकस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्ट्रीम यू वांट, इंटरैक्शन है या जो भी है ऐसा। मेरे को तो मतलब एनआईडी का इतना पता नहीं था, लास्ट में पता चला तो मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था एक्चुअली, ये कोई मेरा बात नहीं, फोकस में नहीं था, तो दिक्कत उसी में है। तो मतलब तो अभी अगर मेरा मतलब रैंक आने के बाद मतलब तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि 3 साल नहीं लेता है हाँ। तो। सो जैसे आईआईटी दिल्ली में नहीं है 3 इयर्स का, ओके गुवाहाटी में भी नहीं है, बॉम्बे में मैंने सुना था कि इंटरेक्शन में एक एक बंदा था जिसका 3 साल का डिग्री था, लेकिन अगेन मैं वही बोलूंगा उस मेरे से बेटर है वो तो वेबसाइट से आंसर करेगी, मतलब वो कभी भी रूल्स चेंज होते हैं, इसके लिए सीट का भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो वो तो आईआईटी का इन्फॉर्मेशन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, बट अगेन मैं यही बोलूंगा ऐसा नहीं है कि मतलब सीड इज द ओनली वे टू लर्न डिजाइन, वही बोलो अगर अगले साल भी आप प्रिपेयर करते हो एनआईडी के लिए, एनआईडी इज मोर देन इनफ, एनआईडी बहुत अच्छा है, तो एनआईडी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो 100%। अच्छा वो क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा, वो जो फिजिक्स वाला है ना कि फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो उसको कैसे यहाँ पे करें, तो ये तो सबके लिए वैलिड है, सी मेरे लिए भी इंजीनियरिंग में, किसी के लिए आर्किटेक्चर में भी। सो सीन इज दैट मेरा कैसा है ना, मेरा आंसर ऐसा रहता है जब भी कोई मेरे को पूछता है कि इंजीनियरिंग से डिजाइन में क्यों आए, मेरा यही आंसर होता है कि यार क्रिएटिव ब्लॉकेज है इंजीनियरिंग में, मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी यूज करने का ना कोई स्कोप नहीं है, अगर क्रिएटिव थोड़ा भी तुम्हारा फ्लो है थिंकिंग का और थोड़ा भी तुम क्रिएटिव, इट कैन मीन एनी वे, उसको एक्सप्रेस करने का या अप्लाई करने का कोई स्पेस ही नहीं है इंजीनियरिंग। डिजाइन इज लाइक, अरे अपना क्रिएटिव प्रोसेस आर्ट में अलग होता है, अपन आर्टिस्ट नहीं है, बट आर्ट और जो इंजीनियरिंग के बीच का है ना वो डिजाइन, तो हाँ क्रिएटिव फुल्ली करेक्ट। क्रिएटिव होना जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, हम फुल्ली क्रिएटिव नहीं है जो इंजीनियर, उसके बीच का डिजाइन है। सो मेरा आंसर यही होता है कि आई वांटेड टू गो इन अ स्ट्रीम व्हिच आल्सो हैज टेक इंक्लूडेड, जैसे इंजीनियरिंग में मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, सो टेक्नोलॉजी इंक्लूड होना चाहिए था, और फिर मैंने देखा कि आर्ट आर्ट जैसा क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, तो वो डिजाइन। तो ये मेरा आंसर होता है, मैं जिसको जिसको ही बोलता हूँ, बट अगेन फिजिक्स से एक्चुअली ये स्टोरी कनेक्ट होगी पीछे जाके कि व्हाई डिड यू टेक फिजिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वो स्टोरी बनेगी कि क्या सोच के फिजिक्स लिया, क्या नहीं जमा या जमा, और फिर क्या समझा या नहीं समझा, और मार्केट में सी यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, आई डोंट नो फिजिक्स में प्लेसमेंट कैसा है, बट अगेन अगर जॉब चाहिए अच्छा खासा तो बीएससी इन फिजिक्स का वैल्यू क्या है, जैसे इंजीनियरिंग में आईटी का वैल्यू है, किसी का सिविल में वैल्यू नहीं लगता है किसी को प्लेसमेंट वाइज, वो भी आईटी में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आईटी में आते हैं, सो इट डिपेंड्स योर स्ट्रीम और योर फील्ड व्हाट स्कोप डज इट हैव, एंड देन उसको डिजाइन से रिलेट करके डिजाइन बेटर क्यों है, दैट कैन बी अ प्रोबेबल आंसर, वो हो ओके सकता है, तो वो एक हाँ चीज। ठीक है और हाँ बाकी इतना भी ऐसा भी मैं सोचता हूँ कि समटाइम्स इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन आंसर, हो सकता है कि नॉर्थ, देखो लाइक यू सेड ना बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे में काफी चीजें फॉरवर्ड है, सबको बहुत चीजें पता है, पहली स्कूल बॉम्बे में खुलती है अच्छी खासी बड़ी वाली सब, तो पॉइंट इसके हो सकता है कि अवेयरनेस ही नहीं ना इतना डिजाइन के बारे में, अवेयरनेस नहीं है तो हाँ तुम्हें पता कैसे चलेगा, तो हो सकता है नहीं तुम्हें एक्चुअली फिजिक्स फिजिक्स लेने के बाद सेकंड अगर पता चला वो ये भी फील्ड होती है, और फिर लगा कि नहीं यार ये तो मैं इसके लिए बनाऊँ, मैं इसके लिए बनी हूँ, तो फिर इट्स ओके okay. कभी कभी आंसर नहीं होना भी आंसर होता है, कि पता ही नहीं था, जब पता चला अच्छा लग गया ले लिया, इट्स नेवर टू लेट ना, क्योंकि ये सब डिसीजंस बड़े हैं मुझे लगता है ऐसा, फिजिक्स छोड़ के या कोई भी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर छोड़ के अपना पूरा बैचलर्स का नॉलेज ऐसा लगता है कि यार वो छोड़ के हम कुछ और कर रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट, तो ये इजी तो नहीं है, तो वैसा तो हाँ इट्स मतलब ओके, कोई इजी तो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है सच, इट्स नॉट कंपलसरी टू बी आंसरेबल, नॉट एट ऑल, ओके देन दैट्स गुड। सो हाँ या ये वेरीफाई कर लेना, और मेरा सजेशन यही होगा कि एनआईडी के लिए प्रिपेयर करो नेक्स्ट ईयर, सी अर्पिता आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैं बहुत लोग को बोलता हूँ ये, इट डजेंट मैटर तुमने कितना टाइम निकाला है, 1 साल 2 साल 3 साल, मेरे बैच में भी 5 अटेम्प्ट वाला सीट में, मैं सबको ये बोलता हूँ, एक पेरेंट को बोला था मैंने, उसकी उनकी बेटी का एडमिशन नहीं हुआ था वो साल, तो उन्होंने मुझसे बात की थी कि ये बहुत डिप्रेस्ड है, बात नहीं कर रही है, बहुत सैड है कि इसका क्लियर नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, मैं बोला आंटी आपको क्या चाहिए कि आपकी बेटी 23 पास आउट फ्रॉम MIT पुणे और सृष्टि अकेडमी और 25 पास आउट फ्रॉम IIT बॉम्बे, ऑब्वियसली 25 पास आउट फ्रॉम IIT बॉम्बे, तो 2 साल और दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है, दे दो तो उसको और 2 अटेम्प्ट, तो इट्स आपने नॉट अ बोला सही प्रॉब्लम, है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि यू नो अगर 2 साल निकल गया एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लोग को लगता है, मैं आज ही किसी को बोला था कि मुझे लगता है कि पीपल थिंक यार 1 साल और देना पड़ेगा एग्जाम के लिए, और मुझे लगता है यार मैं 1 साल इतना जल्दी निकल गया यार IIT में, मुझे
पता भी नहीं चला। यू सी डिफरेंस है तो एक ही साल, देखने का नजरिया अलग है। एक साल दे के तो यार 50 साल सुधर जाएगा, तो क्यों ना देना एक साल यार, 100% देना चाहिए। मतलब हाँ खुद से तो दे सकते हैं, पर फैमिली कांस्टेंट भी रहता है ना, आई तो अंडरस्टैंड, वो है 100% मैं ये दिक्कत। चीज समझता हूँ, बट इसमें ये भी है ना, फैमिली कंस्टेंट इज वन थिंग, इन द एंड कभी कभी ऐसा होता है कि यू कांट एक्सप्लेन एवरीबडी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, कभी कभी झगड़ा है कि मना के उनको बाद में समझेगा कि इसका वैल्यू क्या था, मुझे ऐसा हाँ लगता है। और ये भी है कि मुझे, मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी आके मेरे को पूछता है नहीं को अटेम्प्ट नहीं, मैं हाँ ही बोलता हूँ। क्यों? मैं ना बोलूंगा और तो अटेम्प्ट नहीं होगा, तुम कोई दूसरे कॉलेज में या तीसरे कॉलेज में चले जाओगे, तुम पूरा लाइफ वही सोचते होगे, पूरा लाइफ चलो कुछ साल तो यही सोचते होगे, क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, ये जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो उससे अच्छा वो एक साल टॉर्चर में जीने से अच्छा एक साल अटेम्प्ट दे दो ना। मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर तुम्हें आईआईटी का इतना, आईआईटी का इतना इच्छा है, डिजाइन पढ़ने का इतना इच्छा है, और तुम्हारे पास फिर नहीं मिलता है, एक सेकंड देने के बजाय यू आर इन सम अदर कॉलेज, यू ऑलवेज थिंक अबाउट यार काश मैंने एक और ट्राई किया होता, यहाँ मजा नहीं आया, यहाँ पे फील नहीं आ रही है, वो देखो वो आईआईटी में पढ़ रहा है, वो आईआईटी में जा रही है, वो एनआईटी में जा रही है, तो वो लाइफ क्यों जीना है ना, वो कॉम्प्रोमाइज ही क्यों करना। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि एक साल कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा एक साल अटेम्प्ट एक बार पढ़ो चुपचाप, और कुछ नहीं होता, एक साल इज नथिंग, ऐसा निकल जाता है एक साल, पता भी नहीं चलता है कब कोविड था, अभी 23 हो गया, 3 साल तो कोविड को हो गया, पता ही नहीं चला कब कोविड आया कब गया। हाँ तो मतलब अभी मैं सीट के लिए पोर्टफोलियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? हाँ सी बी स्मार्ट ना, अपने को वैसे भी अगर नेक्स्ट ईयर एनआईडी का सीट देना है, लेट्स अज्यूम के नेक्स्ट ईयर देना है, तो ये साल पोर्टफोलियो करके नेक्स्ट ईयर तो काम आने ही वाला है, करेक्ट? हाँ और ये साल का सीट अगर तुम्हारा क्लियर होता है, लेट्स अज्यूम के पार्ट बी में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो पार्ट बी और पार्ट ए क्लियर हो गया कट ऑफ, मुझे 2 दिन में पता चल जाएगा पार्ट ए का कट ऑफ आ जाएगा तो 9th को, है ना, अगर क्लियर हो गया तो क्लियर होने के बाद ट्रिपल आईटी में भी एक्सेप्ट होता है, ट्रिपल आईटी भी अच्छा ही है। सो पॉइंट इसके ऑप्शन ओपन रखने का सर हमेशा। मैंने भी ट्रिपल आईटी जबलपुर में फीस भरा, फिर आईआईटी रुड़की में फीस भरा, तब जाके आईआईटी दिल्ली में फिर वहां भी फीस भरा, मैं भी अपने ऑप्शन ओपन रखा था कि मैं ऐसा नहीं, मेरे तो आईआईटी बॉम्बे होगा, पता था ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ मैंने भी सोच रखा था कि पोर्टफोलियो बनाऊंगी, अगर सीट में नहीं हुआ तो उसको जॉब रिलेटेड बना के जॉब में हाँ अप्लाई हाँ कर लूँ। 100% वो सब चीजें पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, हाँ 100%। ओके या सो तो या ठीक अभी क्या पोर्टफोलियो मतलब वो जो प्रोजेक्ट बनाया था दिखा सकते हो या है, फिर? चलेगा चलेगा, पक्का पक्का प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज जो वीडियो देखा है, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय।